हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है DIY होम एंड लिविंग में। आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल बिरयानी, जो बहुत ही आसानी से बनेगी, लेकिन इसका टेस्ट पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। कोई भी हेवी बॉटम पैन लीजिए, उसे स्टोव पर मीडियम फ्लेम पर रखकर उसमें 3 टेबलस्पून तेल डालिए। इसमें अब हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 स्टार अनीस और 4 लौंग के दाने। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 छोटे इलायची और सिनेमन 3 से 4। दो टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए। 3 टीस्पून। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाइए जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। अब इसमें आप ऐड कीजिए 2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर या पेस्ट। हमारे चैनल पर हर वीक न्यू अपलोड्स होते रहते हैं। नमक स्वाद अनुसार। इसमें अब हम पाउडर्ड स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 बारीक कटा हुआ टमाटर। इस लिड को क्लोज करके रखिए जब तक कि टमाटर पक नहीं जाता। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ब्राउन तला हुआ प्याज, इसे कैरमलाइज्ड ऑनियंस भी कहते हैं, क्योंकि मैं ये यूजुअली प्रिपेयर करके रखती हूँ। आप चाहे तो तभी तेल में प्याज को डालकर ब्राउन अच्छे से तल सकते हैं। मटर 200 ग्राम, मिक्स्ड वेजिटेबल्स आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार, 300 ग्राम। अब इसका लिड क्लोज कीजिए और पकाइए जब तक कि वेजिटेबल्स हाफ कुक नहीं हो जाते हैं। देखिए, अब वेजिटेबल्स लाइटली सॉफ्ट हो चुके हैं। आधा नींबू का रस इसमें मिला रही हूँ। इसमें 2 ग्लास चावल मिला रही हूँ जो अच्छे से धोए और साफ़ किए गए हैं। मैं यूजुअली कश्मीरी चिली पाउडर और नॉर्मल चिली पाउडर दोनों इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि कश्मीरी चिली पाउडर में बहुत अच्छा फ्लेवर, टेस्ट और कलर आता है, लेकिन उसमें तीखापन कम होता है। वैरास ये दूसरा चिली पाउडर इसको तीखापन देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिश बहुत टेस्टी हो जाती है।
इस चावल में आप गर्म पानी मिलाइए 4 ग्लास। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसको हाई फ्लेम पर पकाइए। जैसे ही आपको ऊपर से चावल नज़र आने लगते हैं, फ्लेम को लो कर दीजिए और लिड क्लोज करके इसे पकाइए। आपकी डिलीशियस और बहुत आसानी से बनने वाली वेजिटेबल बिरयानी अब बन चुकी है। इसके ऊपर मैं फाइनली चॉप्ड धनिया पत्ता डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। मीट यू सून। बाय।